नमस्कार, मेरा नाम है यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं BVM न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिजली की चोरी को रोकने के लिए घरों में छापामारी के लिए आज सेक्टर 58 के पास झाड़ सेतरी गांव में बिजली विभाग की टीम पहुंची, जहां पर सुबह 5 बजे घरों में जाकर मीटर और तारों को चेक किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसी दौरान बिना सूचना और बिना जानकारी के घर में घुसकर चेकिंग करने के लिए कई घरों की महिलाओं ने इसका विरोध किया है और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बदतमीजी करने को लेकर सेक्टर 58 थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए पहुंच गई। महिलाओं ने कहा कि सुबह 5 बजे बिजली विभाग के कर्मचारी बिना बताए घर में घुस गए, जो बिजली विभाग का यह रवैया उनको ठीक नहीं लगा। बिजली विभाग के कर्मचारी बिना बताए किसी के घर में चेकिंग के लिए घुस जाते हैं। मैडम कहाँ रहते हैं आप? गांव झाड़ सेतरी जी। भैया सुबह सुबह 5:30 बजे आए हैं, हम तो अंदर है, गेट खुलवा के सीधे ऊपर गए हैं, जबकि हमारे खम्मन पर वो मीटर लगे पड़े, तो मीटर खम्मन पर चेक करो ना, अंदर जाने का जरूरत थी। अच्छा, क्या सो रहे हैं, हम तो सुबह सुबह ही पहुँचे। अच्छा, कौन लोग आए थे, कौन से कर्मचारी बताते अपने आप को? वो बिजली वाले भी बन रहे और पुलिस वाले, 2-3 8-10 जने हैं। अच्छा, क्या किया फिर उन्होंने? उन्होंने हमारे घर चेक करा पूरा और इल्जाम लगा रहे चोरी कर रहे, जबकि हमारे मीटर। क्या नाम आपका, कौन सा गांव है? रेनो नाम है और झाड़ सेतरी है जी। सेक्टर 58 थाने में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है? 5 बजे मैं सानी करने गई हूँ और आदमी घूमने गया है, तब मैं घर पे आई हूँ तो 3 पुलिस वाले और 3 चेक करने वाले घर में अंदर घुस गए, उनका मतलब किया है। 5 बजे उनकी ड्यूटी रहती है, जो 5 बजे घर में अंदर आए जी, उससे पहले अंदर क्यों आते, बहू बेटी सब घर पे रहती है। अच्छा, बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की है।